अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां आम आदमी पार्टी से सुधीर साहू के नेतृत्व में किसानों ने आवारा पशुओं की रोकथाम, धान खरीदी केंद्रों में किसानों से हो रही अवैध वसूली, सहकारी समितियों में किसानों को सही समय में खाद उपलब्ध ना हो पाने जिससे उनकी बुवाई लेट हो जाती है, इन सब के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है और यह मांग की गई है कि जल्द से जल्द किसानों की गई समस्याओं का निराकरण किया जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी द्वारा आने वाले समय में विशाल आंदोलन किया जाएगा। भ्रष्टाचार का एक ही कौन केजरीवाल, केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही कौन केजरीवाल, केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही कौन केजरीवाल, केजरीवाल। आज हम सब आम आदमी पार्टी देवतला इकाई के लोग, आज हम अपने किसान भाइयों के लिए, खासकर हमारे ज़िले ही नहीं पूरे प्रदेश की, आज आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। कई जगह स्थिति ये है कि आवारा पशुओं के कारण किसान भाइयों ने हमारी खेती करना बंद कर दिया है, तो प्रशासन से हमारी मांग है कि या तो उन आवारा पशुओं को छोड़ने वाले के ऊपर या तो जुर्माना लगाया जाए या उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए गौशालाएँ बना के, या फिर कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया था कि जिनके पास भी आवारा पशु देसी माल हैं उनको 800 रुपये महीने दिया जाएगा, या तो उस घोषणा को अमल में लाया जाए तो लोग अपने पशुओं घर में बांधना बंद चालू कर देंगे। हमारी दूसरी मांग है कि वर्तमान जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ बहुत ही ज़्यादा भरेसाही हो रही है, लोग 40 किलो के बोरी में 1 किलो एक्स्ट्रा तो ले रहे हैं, साथ ही 8 रुपये पर क्विंटल पल्लेदार वहाँ पे उसको तौलने के नाम पे ले रहे हैं। तो प्रशासन से हमारी सम्मानित तहसीलदार महोदय से मांग है कि ऐसे धान केंद्रों पे जांच करके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही जो सोसाइटियाँ हैं जहाँ आज खादें आती हैं वह किसान भाइयों को समय में खाद उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं बुनी लेट होती है, हमारी खेती लेट हो जाती है। इसलिए मेरा ये भी निवेदन है कि समय पे हमारे किसान भाइयों को खाद बीज उपलब्ध करा दिया जाए जिससे कि खेती उनकी लेट ना हो। इन्हीं सब मुद्दों के लेके हमारी आम आदमी पार्टी, हमारे प्रभारी श्रीकांत पांडे जी, रमेश कुशवाहा जी, हमारे रंजन गुप्ता जी, वरुण अम्बेडकर जी, राम सिया जी और सभी सम्मानित हमारे से जितने भी साथी हैं, तो तहसीलदार साहब के पास सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन लेके आए थे और हम आशा करते हैं कि हमारी ये मांगे जल्दी ही पूरी हो, और नहीं पूरी होती है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या शुभ नाम लिखते हैं? सुधीर साहू।